टू किल अ मॉकिंग बर्ड बाय हार्पर ली. क्वेश्चन नंबर देना है, टू किल अ मॉकिंग बर्ड 1960 इज अ पॉपुलर नॉवल बाय हार्पर ली. लीडिए शी इज एन अमेरिकन राइटर. द नॉवल वन द 1961 पुलित्ज़र प्राइज. क्या पुलित्ज़र प्राइज तो लिखी 60 में पब्लिश हुआ, एक साल में प्राइज मिल गया. डेट दे सकते हैं. मॉकिंग बर्ड इज अ सिंबल, ये इंपॉर्टेंट है. ये मॉकिंग बर्ड एक चिड़िया है, एक प्रतीक है. वो चिड़िया एक प्रतीक, किसका प्रतीक है? इट स्टैंड फॉर द सफरिंग ऑफ द इनोसेंट पीपल. जो निर्दोष लोग को कष्ट भोगते हैं उसी का ये प्रतीक है. यू रिमेंबर जीसस क्राइस्ट वॉज क्रूसीफाइड ऑल्दो ही वॉज इनोसेंट. हम लोग ईसा मसीह को याद करते हैं, वो निर्दोष थे फिर भी उनको लोग शूली पर चढ़ा दिया, जान से मार दिया. अ मॉकिंग बर्ड सिंग्स एंड डज नो हार्म बट सम हंटर्स किल द बर्ड. ये चिड़िया गाना गाती है मॉकिंग बर्ड, और किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन कुछ शिकारी उसको मार देते हैं. द मॉकिंग बर्ड इन दिस द मॉकिंग बर्ड्स इन दिस नॉवल आर आर्थर बू रैडले, जिम फिंच एंड टॉम रॉबिन्सन. यही मैंने तो ये सभी कहानी चिड़िया की नहीं है, कहानी पुरुषों की है जो निर्दोष होकर भी कष्ट भोगते हैं. तो मेन कैरेक्टर ये टॉम रॉबिन्सन. देखिएगा द स्टोरी ऑफ द नॉवल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930s. इसी समय की ये कहानी है. डिप्रेशन में देर वॉज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी बेरोजगारी उस समय थी. द इम्पैक्ट ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट इज ऑल्सो सीन इन दिस नॉवल. Some Americans wanted an end to segregation and discrimination throughout the United States. तो कुछ अमेरिकन चाहते थे segregation, मतलब भेदभाव, काले के लिए अलग स्कूल, गोरे के लिए अलग स्कूल, ये सब नहीं चाहते थे, बोले सब एक करो. discrimination, भेदभाव, उसका अंत चाहते थे पूरे देश अमेरिका में, और इसी संघर्ष की ये कहानी है. Atticus the lawyer in the novel advises children. Atticus जो lawyer है, बहुत important character है, वो अपने बच्चों को क्या सलाह देता है? Never kill a mockingbird. इस चिड़िया को कभी मत मारो. तो mockingbird बने एक सिंबल है, किसी निर्दोष आदमी को मत सताओ. ये इसका कहने का मकसद है बाबू एटिकस का. अब देखिए द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी इज द ट्रायल सीन. यही मेन चीज़ है, ट्रायल सीन. जूलियस सीजर का जो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस का ट्रायल सीन याद कीजिए, वो भी क्लाइमैक्स है, ट्रायल सीन है. टॉम रॉबिन्सन अ ब्लैक इज अक्यूज ऑफ रेपिंग अ वाइट वूमेन. तो इस टॉम पर क्या आरोप है? झूठा आरोप है कि ये किसी वाइट औरत को रेप करना चाहता था. द रियलिटी इज दैट द वाइट वुमेन फर्स्ट किस टॉम. और सच्ची बात क्या है, ये जो वाइट औरत जो है वही टॉम का गला पकड़ के उसको किस कर ली, और टॉम पुशेस हर अवे, और टॉम उसको उल्टे ठेल देता है. समवन सीज हर एंड टॉम टुगेदर. और कोई टॉम को उस लड़की को साथे देख लेते हैं. टू सेव हर फेस शी सेज दैट टॉम वॉज ट्राइंग टू रेप. अपना इज्जत बचाने के लिए ये क्या करती है, कहते हमको टॉम रेप कर रहा था, और उस मुकदमा भी चल जाता बेचारे टॉम पर. इन द कोर्ट एटिकस द लॉयर प्रूव्स दैट टॉम इज इनोसेंट. तो जो लॉयर है ये प्रूव कर देता है कि टॉम निर्दोष है, बहुत अच्छा से बहस करता है ये. बट द वाइट जजेस से दैट टॉम इज गिल्टी. लेकिन वाइट जो जज गोरे सब हैं, तो काला टॉम काला है, तो उसको कह देता है ये गिल्टी है, दोषी है. टॉम ट्राइज टू रन अवे, टॉम जो है भागना चाहता है. थैंक यू विकास. टॉम भागना चाहता है बट ही शॉट डेड. लेकिन उसको लोग गोली से मार देते हैं, वो मर जाता है बेचारा. द नॉवल गिव्स अ पिक्चर ऑफ लिंचिंग. देखिए इंपॉर्टेंट है, और उस समय क्या क्या तमाशा होता था. लिंचिंग होता था, लिंचिंग इसको कहते. देखिए अ क्राउड ऑफ पीपल लिंच्ड समबॉडी हुम दे कंसिडर्ड गिल्टी ऑफ अ क्राइम. ये भीड़ ना जिसको समझते कोई दोषी है, किसी पर गुस्सा है, बस उसको पकड़ के उसको गले काट देता था या फांसी लटका देता था. द क्राउड कैप्चर द पर्सन, पकड़ लेता था उस आदमी को. भीड़ में अकेला क्या करेगा. दे डू नॉट अलाउ हिम टू हैव अ ट्रायल इन द कोर्ट. और मुकदमा जनरली तो कोई गलती अपराध करता मुकदमा चलता है, लेकिन ये लोग लिंचिंग में मुकदमा होता कुछ नहीं. दे किल हिम इलीगली, गलत नजायज तरीके से मार देते हैं, उसको कहते हैं लिंचिंग. तो अमेरिका में ये सब होता था. इन द नॉवल द चिल्ड्रेन सेव आर्थर बू
दैट ले फ्रॉम गेटिंग लिंच. इसको लोग लिंच करना चाहता था, बेचारे सुनसान जगह में रहता था तो उसको लिंच. दिस बचवा सब जो है उसको बचा लेता है. दिस शोज दैट द चिल्ड्रन हैव मोर सेंस देन द ग्रोन अप्स. चिल्ड्रन मोर सेंस देन द एडल्ट्स. ये दिखा था बच्चा भला लेकिन ये बुजुर्ग लोग नहीं भले. यंग स्काउट इज द सिक्स ईयर ओल्ड नैरेटर ऑफ दिस नॉवल. देखिए ये कहानी एक छोटी बच्ची सुनाती है, यंग स्काउट है. शी इज अ टॉम बॉय बाय द स्टैंडर्ड ऑफ अ टाइम. टॉम बॉय कहते हैं कोई लड़की जो खूब लड़का ऐसा एक्टिव रहता है, बहुत एक्टिव रहती है. स्काउट सजेस्ट अ पर्सन. स्काउट नाम जो है सजेस्ट अ पर्सन हु कीप्स. स्काउट मैंने ऐसा पर्सन का नाम जो वो कीप आस्किंग क्वेश्चंस एंड गेटिंग इन्फॉर्मेशन. ये लड़की जो है क्वेश्चन पूछ पूछ के इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहती है. और इन टू किल अ मॉकिंग बर्ड शी पासेस ऑन हर इन्फॉर्मेशन टू द रीडर्स. और वही कहानी हम लोग को सुनाती है, सब जो सब अनुभव उसको हुआ है लाइफ में छोटे जीवन में वो सब अनुभव अनुभव को सुनाती है. अब कंक्लूजन में आ रहे हैं. टू कंक्लूड, इन द नॉवल हार्पर ली गिव्स अ पेनफुल पिक्चर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन. दुखद तस्वीर देती है डिप्रेशन के टाइम में अमेरिका में, अमेरिका का. इनोसेंट पीपल वे किल्ड एज हंटर्स किल सिंगिंग बर्ड्स. तो निर्दोष लोगों को उसी तरह मारा जाता था जैसे गाने वाली चिड़िया को कोई शिकारी मार देते हैं. लास्ट सेंटेंस हम क्या जोड़ दिए हैं, वी आर होपिंग फॉर बेटर डेज. हम लोग आशा करते हैं अच्छे दिन आएंगे, अमेरिका और विश्व सब लोग सुधर जाएगा, प्रेम भाव से रहेगा. और यदि अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए. यदि ख़राब लगा हो या कोई दिक्कत हो तो खबर कीजिए. व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है 8102973322. रिटायर्ड प्रोफेसर बी के मिश्रा और ये है मेरे विकास का 8434291664. विकास आजकल काफ़ी एक्टिव रह रहा है, नौकरी लग रही है इसको, इसीलिए बहुत रेगुलर नहीं हो पाता यहाँ पर, सॉरी फॉर दैट. और टीवी पेशेंट खेतन को जो मदद कर रहे हैं उनके रिक्वेस्ट को हम लोग प्राथमिकता देते हैं. अब तो बहुत सुधार गया, बहुत हेल्दी हो गया, बेचारा काम भी करने लगा. आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मदद किए. आर्थिक मदद और जिनको करना है करते रहिए. इस नंबर पर कीजिए, खुद को बुलंद कर देना है. फोन पे, गूगल पे, पेटीएम 8434291664. वी गिव प्रायोरिटी टू दोज स्टूडेंट हु हेल्प आर टीवी पेशेंट खेदन ऑन द नंबर्स गिवन अबव. दैट्स ऑल. थैंक यू एंड बाय बाय.